हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम वर्ल्ड अफेयर्स में टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू टैक्स रूल्स चेंजेस जो 2023 में कहीं ना कहीं प्रपोज किए गए हैं और अब 1st of April से इंप्लीमेंट हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कहीं ना कहीं कितने रूल्स आपको पता है। और अगर इस वीडियो को आप सिंसियरली देखोगे तो आई एम टेलिंग यू बेट लगा करके कि मेजोरिटी ऑफ द रूल्स आपको शायद पता ना हो जो 1st of April से इंप्लीमेंट हो चुके हैं। तो लेट्स सी कि ये रूल्स आपको पता है या नहीं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। सो लेट्स स्टार्ट। और ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर और इन्होंने इसको प्रेजेंट किया है जो यूनियन बजट 2023-24 का आया है वहीं से ये सारे जो रूल्स हैं वो इंप्लीमेंट करे गए हैं। नाउ ये मिंट का आर्टिकल ये दिखाता है कि 10 बिग इनकम टैक्स रूल चेंजेस दैट इज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1st of April फॉर टैक्स पेयर्स। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज न्यू इनकम टैक्स रेजिम टू बी डिफॉल्ट रेजिम। जैसा कि आपको पता होगा हाल ही में जो रेजिम चेंज किया गया इनकम टैक्स का वो बदला गया है। ठीक है, और अब उसको डिफॉल्ट रेजिम भी माना जाएगा। जैसे कि आपको हम बताते हैं जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, तो सैलरीड एम्प्लॉयज जब हर साल अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो वो इनकम टैक्स फाइल करते समय अब उनके पास में ऑप्शन होगा कि वो नया इनकम टैक्स रेजिम चूज करेंगे या फिर डिफॉल्ट रेजिम जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि डिफॉल्ट रेजिम में क्या है कि उसमें थोड़ा सा 3-4 लाख का, मतलब अगर कोई इनकम टैक्स फाइलिंग कर रहा है उससे ज्यादा का, तो उसको कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से वो स्कीम्स और बाकी चीजों से वो अपना बचत कर सकता था, तो इसलिए वो डिफॉल्ट में जा सकता है। लेकिन अगर आपका बिजनेस है, ठीक है, या फिर आप फ्रीलांसर वगैरह हो, तो फिर आप उसके लिए कहीं कहीं एक ही बार सिर्फ आप स्विच कर सकते हो न्यू से डिफॉल्ट में या डिफॉल्ट से न्यू में। ठीक है, लेकिन सैलरीड जो है वो हर साल स्विच कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि जो नया इनकम टैक्स रेजिम आया है उसी को डिफॉल्ट भी माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि टैक्स रिबेट का जो लिमिट है वो बढ़ा दिया गया है 7 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले ये 5 लाख रुपए का हुआ करता था, अब इसको बढ़ा करके 7 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है टैक्स रिबेट लिमिट? देखिए, इसका मतलब सरल भाषा में देखें तो जैसे किसी का भी जो एनुअल इनकम होगा वो अगर 7 लाख या उससे कम होगा तो अब वो टैक्स तो वो फाइल करेगा, ऐसा नहीं कि वो टैक्स फाइल नहीं करेगा, उसको टैक्स तो फाइल करना होगा। अभी हम वो भी लिमिट देखेंगे कि किस मतलब रेंज में कितना टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जो 7 लाख रुपए है ये 7 लाख रुपए जो है वो रिबेट में मिल जाएगा। अब आप टैक्स भरोगे लेकिन वो जो आप टैक्स भर रहे हो वो आप टैक्स जब भरोगे तो वो रिबेट में आपको वापस मिल जाएगा। तो इसलिए टैक्स रिबेट लिमिट जो है वो बढ़ा करके 7 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले ये 5 लाख हुआ करता था लेकिन अब ये 7 लाख रुपए हो चुका है। जैसा कि हमने कहा आपसे कि जो चेंजेस किए गए हैं इनकम टैक्स स्लैब्स में, तो अब नए टैक्स रेट्स क्या हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो 0 से 3 लाख में, तो यहाँ पे निल। अगर किसी का भी एनुअल सैलरी जो है वो 0 से 3 लाख के बीच का है तो वो निल, उसको उस पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। दूसरा जो है वो 3 से 6 लाख के बीच का है। अगर आप इस टैक्स स्लैब में आते हो तो आपको 5%, मान लो अगर आपका 6 लाख का है तो 6 लाख का 5% आपको टैक्स में पे करना पड़ेगा। लेकिन यही जो 6 लाख है इस पे आपको, क्योंकि हमने देखा कि 7 लाख तक क्या है रिबेट मिल जाएगा, तो इसलिए अगर आप 6 लाख पे टैक्स तो आप भरोगे लेकिन आगे चल करके उसको आप क्लेम कर सकते हो जो आपको 5% वापस आपके खाते में मिल जाएगा। ठीक है, नाउ ये गवर्नमेंट का अलग अलग पॉलिसी होता है। आप कहोगे कि अगर उसको वापस ही करना है तो फिर वो क्यों मतलब, लेकिन देखिए सबको ही तो उस दायरे में कवर होता नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक कारण। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 6 से 9 लाख पे 10% का टैक्स लेप। तो अपने अपने अकॉर्डिंग आप इस चीज को देख सकते हो। बाद में वैसे हम इन चीजों को डिटेल में जो हमारा यूनियन बजट का वीडियो है वो उसमें हमने सारी चीजों को बहुत गहराई में देखा है, तो आप उस वीडियो को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और 9 से 12 लाख में किस तरीके से 15% का है। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ आगे भी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट है दैट इज लीव एनकैशमेंट। ठीक है, नाउ लीव एनकैशमेंट क्या है? जैसा कि आपको पता होगा आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो वहां पर पेड लीव दिया जाता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंस्टीट्यूट में एक पेड लीव दिया जाता है। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स कंपलसरी होता है। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि जो लीव एनकैशमेंट होगा फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ज्यादातर तो आपको भी पता होगा जो बेनिफिट्स होता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है, लेकिन ये बेनिफिट जो है वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है कि उनको जो पेड लीव दिया जाता है वो बेसिकली अब उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। पहले ये लिमिट 3 लाख तक का था 2002 तक में, और अभी इसको बढ़ा करके 25 लाख तक कर दिया गया है कि मतलब 25 लाख तक जो होगा उस पर कोई भी टैक्स जो है वो लगाया नहीं जाएगा। अब ये क्या होता है इसको पहले हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने जिंदगी भर काम किया, ठीक है, और 60 साल की उम्र में आप रिटायर हो जाते हो, तो आपने अपने जो यूथ से लेकर के सीनियर सिटीजन होने तक में जो भी काम किया, जितने भी बीच बीच में आपने कंपनी शिफ्ट किया, आपने एम्प्लॉयर्स जो चेंज किए, तो उनके तरफ से जो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन मिला
और आपका जो अपना कंट्रीब्यूशन था उसको मिला करके और जो लीव आपको मिलता गया, उस जो पेड लीव का जो पैसा था वो जब इकट्ठा होता गया तो वो पहले 3 लाख तक का था कि 3 लाख से ऊपर होगा तो टैक्सेबल होगा, लेकिन अभी उसको बढ़ा करके 25 लाख तक कर दिया गया है, जो कि अपने आप में काफी बड़ा एक बेनिफिट होगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिकली ये जो लिमिट है ये 25 लाख का आपको देखने को मिल जाएगा कि पूरे लाइफ टाइम में जो इंसान ने काम किया है, ठीक है, और जितनी भी बार चेंजेस किया है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बेनिफिट ऑन दीज म्यूचुअल फंड्स। अब किन म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं? डेट म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं। देखिए, डेट म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो आइदर कॉर्पोरेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में, इन दोनों बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, और एक बार ये इन्वेस्ट करते हैं तो इससे कुछ उनको रिटर्न्स मिलता है जिससे वो अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बेसिकली क्या होता है, पहले हम इस चीज को समझते हैं। देखिए, कैपिटल गेन्स टैक्स दो तरीके से होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म है वो आप देखोगे 3 साल से कम का जो है उन चीजों पे, जो एसेट्स वगैरह है तो 3 साल से कम का, और जो 3 साल से ज्यादा क्या आप लॉन्ग टर्म में आप उनको देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म का था वो तो सेम है कि मान लीजिए 3 साल या उससे ज्यादा का, मतलब अगर किसी ने रखा है तो वो तो लॉन्ग टर्म में आएगा, लेकिन 3 साल या उससे कम का है तो मान लीजिए उस पर उसको 5 लाख का प्रॉफिट होता है तो उस 5 लाख पे उसको हो सकता है 20% का टैक्स स्लैब लगे। लेकिन ये पहले लॉन्ग टर्म में क्या होता था कि लॉन्ग टर्म में उसको लगता तो वही था लेकिन उस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाता था। अब ये इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या है कि इन्फ्लेशन को कंसीडर करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जब भरा जाता था तो उसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था इन्फ्लेशन को कंसीडर करके, लेकिन अब उसी चीज को हटा दिया गया है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब दोनों को सेम पैमाने पे लाके रख दिया गया है, तो अब शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो दोनों बराबर होगा, ठीक है। और वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट्स इन डेट म्यूचुअल फंड्स विल बी टैक्स्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, और इसको लाया गया है ताकि जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पॉपुलर किए जा सके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। नाउ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की क्या बात करी गई है कि जो भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है जिसका एनुअल जो प्रीमियम 5 लाख या उससे ज्यादा का है वो टैक्सेबल होगा अगले फाइनेंशियल ईयर से। अभी तक तो ये नहीं हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ से 5 लाख या उससे ज्यादा का जो भी होगा वो टैक्सेबल होगा 1st of April 2023 से। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इन्होंने जब बजट प्रेजेंट किया था तो वहीं पर अनाउंस कर दिया था कि न्यू इनकम टैक्स रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा ऑन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। वैसे भी यूलिप पे 2.5 लाख या उससे ज्यादा पे टैक्स लगता है, लेकिन यहाँ पे जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका प्रीमियम 5 लाख या उससे ज्यादा का है तो फिर एनुअली में उस कर आप देखोगे। कई बार कैसा होता है कि कुछ लाइफ इंश्योरेंस जो है, जो टर्म इंश्योरेंस उनकी बात नहीं हो रही है, लेकिन वो लाइफ इंश्योरेंस जो इक्विटी बेस्ड भी है, जो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड की तरह, तो अगर वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से करते हैं तो वो प्रीमियम भी उसका महंगा होता है, और क्योंकि उसका प्रीमियम महंगा होता है तो अगर वो 5 लाख या उससे ज्यादा का होगा तो आप देखोगे कि उस पर टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। इसीलिए कई बार टर्म इंश्योरेंस जो है वो लाइफ इंश्योरेंस ज्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि उसमें आप पैसों को बचा भी सकते हो और बाद में आप अपना म्यूचुअल फंड्स वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा लाइफ इंश्योरेंस से भी रिलेटेड था। हालांकि इसमें एक और पॉइंट है कि अगर लाइफ इंश्योरेंस में मतलब अगर उसका डेथ हो जाता है फिर तो उस पर ये कोई मतलब प्रोविजन नहीं एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर वो मैच्योरिटी वाला है, मैच्योर होकर के मान लीजिए पूरा वो 20 साल 25 साल जो भी लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी उसका था वो कंप्लीट हो करके उस पर जो उसको प्रीमियम मिलता वो 5 लाख या उससे ज्यादा का मिल रहा है तो उस पर हमने देखा कि उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन अगर उसी बीच उसकी डेथ हो जाती है फिर उसमें ये 5 लाख का क्लॉज नहीं आता है। तो जब वो कहीं ना कहीं मतलब पूरा का पूरा मैच्योर हो जाएगा तभी वो टैक्स स्लैब में आएगा, और 5 लाख से ज्यादा होने पर डेथ वाले केस में नहीं आएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजंस के लिए क्या चेंजेस किए गए हैं। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम उसको भी बढ़ा करके 30 लाख कर दिया गया है फ्रॉम 15 लाख। तो पहले ये 15 लाख तक का मैक्सिमम होता था, अब ये 30 लाख रुपए तक का मैक्सिमम किया जा सकता है अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। नई बात यह है कि प्रधानमंत्री वया वंदना योजना जो है उसको भी गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए हटा दिया है, और यहाँ पे बेनिफिट ये है कि यहाँ पे मैच्योरिटी भी जल्दी है, 5 साल में आपको मिल जाएगा लॉक इन पीरियड, और वहाँ वो 10 साल का था। यहाँ इंटरेस्ट भी ज्यादा है, लगभग 8% का है, वया वंदना में 7.75% का होता है। और इसके साथ साथ जो सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम है वो इनकम टैक्स दायरे से छूट भी मिलता है 80C, जो सेक्शन 80C है IT एक्ट का, उसके तहत यहाँ पे रिबेट या एग्जेम्पशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बेनिफिट जो है तो थोड़ा सीनियर सिटीजंस को भी इंक्लूड करने की कोशिश करी गई है। नीचे वाला जो है वो आप देखोगे अर्लियर अमाउंट है,
नेक्स्ट है टैक्स ऑन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल, अभी हमने देखा हो शॉर्ट टर्म, तो 3 साल से ऊपर लॉन्ग टर्म वाला, तो ये जो लॉन्ग टर्म टैक्स लगाया जाएगा कैपिटल गेन्स टैक्स जो कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे होगा, तो वो 10 करोड़ या उससे ज्यादा का अगर है, 10 करोड़ या उससे ज्यादा का अगर वैल्यू है, तो उस पर फिर आप देखोगे कि उस पर भी टैक्स लगाया जाएगा। तो ये यहाँ पे इम्पोज किया गया है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के ऊपर भी कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म टैक्स, ठीक है, और ये 10 करोड़ या उससे ज्यादा का वैल्यू से रिलेटेड है। तो ओवरऑल ये उस पूरे वीडियो में था जो हमने देखा, मोटा मोटा जो भी टैक्स रूल्स में चेंजेस किए गए हैं, छोटा मोटा एक दो है जो बहुत ज्यादा रिलेटेबल नहीं है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को सिंसियरली देखा होगा तो लिटरली आपने काफी कुछ नया जाना होगा। स्टिल किसी भी टेक्निकल टर्म में कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो डेफिनेटली हम कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई जरूर आपको देंगे। बाकी वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ हम मिल सके आपसे ज्यादा से ज्यादा, इसके लिए लोगों तक और ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना रिस्पॉन्स भी बेहतरीन रखिएगा, ताकि हम और बेहतर तरीके से आप सबके लिए कुछ यूनिक लेकर के आ सके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।